नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको Amazon एप्लीकेशन की मदद से यहां पर बस टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं। कैसे आप गाइस तत्काल यहां पर बस टिकट को बुक करोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। गाइस मैं यहां पर आपको बस टिकट को कैसे बुक करना है पूरी डिटेल्स क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और Amazon की मदद से यहां पर जो है बस टिकट को बुक करके देखते हैं। गाइस मैं आपको यहां पर पेटीएम के जरिए भी दिखा दूंगा, दोनों ही सेम प्रोसेस होती है। गाइस जब आप एक में बुक करना सीख जाओगे तो आप काफी आसान तरीके से पेटीएम या अदर किसी एप्लीकेशन में बुक कर पाओगे। अभी मैं आपको Amazon एप्लीकेशन के अंदर में बताने वाला हूं। तो अगर आपने Amazon को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा इस Amazon को। उसके बाद में आपको वहां पर जो है मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूं कि कैसे आपको बुक करना है। गाइस तो उसके लिए हम मोबाइल की मेन स्क्रीन पर चलेंगे। अभी मोबाइल की मेन स्क्रीन पर आने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको अपनी Amazon एप्लीकेशंस को ओपन करना है। तो एप्लीकेशंस को जैसे ही ओपन करोगे कुछ इस तरह से पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है गाइस Amazon पे करके, तो आपको Amazon पे पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे लोडिंग लिया जाएगा आपके सामने। उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन जैसे ही करते जाओगे गाइस तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रेवल करके। तो ट्रेवल में आप फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो, आप यहीं से होटल्स भी बुक कर सकते हो, उसके साथ में बस टिकट और ट्रेन टिकट। हम ट्रेन टिकट नहीं बुक करेंगे और ना ही होटल और ना ही फ्लाइट, हम बस टिकट को बुक करके देखेंगे। तो बस टिकट के लिए आपको बस पर क्लिक करना है गाइस। यहां से आप जैसे ही क्लिक करोगे अभी हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ चुका है। अगर यहां से गलती से आपने फ्लाइट पर भी क्लिक कर दिया था तो यहां पर क्लिक कर सकते हो। अगर बस टिकट नहीं बुक करना चाहते हो तो ट्रेन या होटल्स भी बुक कर सकते हो, तो यहां से आप इजीली यहीं से भी चेंज कर सकते हो। अभी यहां पर आपको करना क्या है गाइस, यहां पर आपके सामने एंटर सोर्स सिटी यहां पर ऑप्शन आ रहा है और उसके नीचे जस्ट हमें देखने को मिल रहा है कि एंटर डेस्टिनेशन सिटी। तो यहां पर आपको सोर्स सिटी इसमें क्या एंटर करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको सोर्स सिटी में गाइस वो सिटी एंटर करनी है जहां पर अभी आप फिलहाल हो या जहां से आप जो है गाइस कहीं पर जाना चाहते हो। उसके बाद में डेस्टिनेशन सिटी में कहां पर आप जाना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आप सहारनपुर से इंदौर जाना चाहते हो तो सोर्स सिटी में आपको सहारनपुर लिखना है, और जैसे कि हम इंदौर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन में इंदौर लिखकर सर्च करना है। अभी मैंने यहाँ पर सहारनपुर और इंदौर सिलेक्ट कर लिया है। अभी उसके बाद में फाइंड बसेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस तो अभी सहारनपुर से इंदौर जाने वाली बसेस यहाँ पर शो कर जाएंगी, उसकी डिटेल्स जो है यहाँ पर शो कर देगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है, काफ़ी सारी डिटेल्स है या काफ़ी सारी बसेस यहाँ पर शो कर रखी है गाइस। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी गाइस यहाँ पर आपको AM और PM में ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया PM गाइस 12 बजे के बाद का होता है और AM जो है 12 बजे से पहले का होता है, ये आपको पता ही होगा, काफ़ी सारे यूजर्स को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म कर दिया गाइस। तो यहाँ पर इसमें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस टाइमिंग सेम हो सकती है लेकिन AM और PM में अंतर हो सकता है, तो उसे आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 3:10 वाली बस है, यहाँ पर काफ़ी सारी बसेस यहाँ पर शो कर रही है, तो कोई सी भी एक बस हम यहाँ पर चूज़ करेंगे गाइस। जैसे कि चार्टर्ड बस है जो 6 बजे यहाँ पर जाएगी गाइस, तो यहाँ पर इसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सीट्स जो है लोडिंग ली जाएगी, पूरी सीटें गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर खाली है, हम यहाँ पर कोई सी भी सीट बुक कर सकते हैं, हम मैक्सिमम 6 सीट बुक कर सकते हैं एक अकाउंट से गाइस। तो भी मैं यहाँ पर ये सीट यहाँ पर बुक करूँगा गाइस, फर्स्ट सीट ये वाली मैं कंडक्टर वाली बुक कर लेता हूँ गाइस, कंडक्टर के पास वाली, मतलब बस ड्राइवर है गाइस वो, तो बस ड्राइवर वाली सीट मैं यहाँ से बुक कर लूँगा। यहाँ पर आप टिकट की प्राइस नीचे देख सकते हो, टिकट की प्राइस हमारे सामने शो कर दिए। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइस इसकी जो डेस्टिनेशन है या बॉन्डिंग पॉइंट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप कहाँ से बैठना चाहते हो गाइस, जैसे कि ये दो जगह पर रुकती है, तो पहला ये है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर ये है, तो हम कहाँ पर जाके इस बस में बैठेंगे गाइस, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप कहाँ पर जाना चाहते हो, जैसे कि इनका ड्रॉप पॉइंट है सहारनपुर ब्रांच में, तो हम यहाँ पर वो कलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीट नंबर हमारे सामने शो कर दिया है, उसके साथ में प्राइमरी यहाँ पर जो ट्रेवलर है, यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट ट्रेवलर पर क्लिक करोगे तो आपको आपका नाम और आपकी कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एड न्यू ट्रेवलर पर क्लिक करोगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पर अपनी एज, अपना जेंडर, ये कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में सिलेक्टेड ट्रेवलर पर क्लिक करोगे तो आपका नाम वगैरह आ जाएगा, तो ये डिटेल्स आप फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, यहाँ पर ये सीट फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरी सीट यहाँ से बुक कर सकते हैं गाइस। अभी हम दूसरी सीट यहाँ पर बुक करेंगे, जैसे कि और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से दूसरी बसेस हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये दूसरी बस मैं यहाँ पर देखूंगा गाइस, वही आ चुकी है। अभी हम यहाँ पर ये वाली बस देखते हैं और यहाँ पर ये वाली बस पर क्लिक करने के बाद में सीट यहाँ पर बुक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बॉन्डिंग पॉइंट्स है, मतलब आप कहाँ से बैठना चाहते हो बस में। उसके बाद में ड्रॉप पॉइंट है,
तो ड्रॉप पॉइंट में ये आपको कहाँ पर छोड़ेगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोसेस करके आपको पेमेंट कर देना है गाइस। पेमेंट आप जैसे ही कर दोगे तो समझ लीजिए गाइस कि आपकी जो बस टिकट है वो बुक हो जाएगी आपको मेल पर, या आपको गाइस यहीं पर बस टिकट शो कर देगा या कुछ नंबर रेफरेंस नंबर आपको दे सकता है, तो कुछ इस तरह से आप बुक कर सकते हो। आपको कैशबैक भी मिलेगा गाइस इसमें, आप देख सकते हो 94 रुपीज़ का कैशबैक एप्लीकेबल हो चुका है यहाँ पर। अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट के लिए आ जाएगा, और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो ये जो बस टिकट है ये काफ़ी आसान तरीके से बुक हो जाएगी गाइस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहे।